सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ आर्य जोशी। वेलकम बैक टू ओवर एड जोन। आज मैं बात कर रहा हूँ कि आप ऑनलाइन पबजी मोबाइल में किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात रिएक्शन टाइम। सो अब गाइस रिएक्शन टाइम में बात ऐसी है कि अगर आपका एम पूरा है और आपका रिएक्शन टाइम तेज़ है तो गाइस आधी मैच आप पहले ही जीत चुके हो। हाँ, और अगर आपके एनिमी की स्किल अच्छी नहीं है, हाँ, और उसका रिएक्शन टाइम तेज़ है तो वो आधी मैच जीत चुका है, जिसका एग्जांपल मैं आपको अभी इस क्लिप से देता हूँ। सो गाइस आप इस क्लिप में देख सकते हो कि हम दोनों ने एक ही टाइम पे एक दूसरे को देखा था। हाँ, पर रिएक्शन टाइम मेरा टेस्ट था। हाँ, और हम दोनों का एम मतलब बिल्कुल सेम ही था, पर रिएक्शन टाइम मेरा टेस्ट था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। सो गाइस अभी मैं आपको कुछ ट्रेनिंग ड्रिल्स दे रहा हूँ, जो कि आपको रोज़ 5 मिनट तो दिन में करनी है, बस सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। बिकॉज जो भी कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स है वो गैस पागल तो है नहीं कि वो रोज़ ये ट्रेनिंग में 15-15, 20-20 मिनट बिताता है। सिर्फ 2 दिन में आपका इम्प्रूव ना हो तो मेरा नाम बदल देना। आपको बस सिर्फ 5 मिनट ये ट्रेनिंग सेंटर में बिताना है, सिर्फ 5 मिनट, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो धीरे धीरे कैसे होगा। सो गैस आपको यहाँ पे ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, आपको इसको बारी बारी से शूट करना है। हाँ, और अगर हो सके उतनी फास्ट आपको इन सब के हेल्प पे एम लगा कर शूट करना है, जैसे कि अभी मैं लगा रहा हूँ। स्टार्टिंग में गाइस आपको थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ऐसे बहुत स्लो क्यों मार रहा हूँ। हाँ, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका रिएक्शन टाइम फास्ट होगा वैसे वैसे आपके मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। और गाइस बाद में आपको ऐसे पिक करके फायर करना है। पिक करने से क्या होगा, आपका एक साइड का रिकॉइल ही ख़त्म हो जाएगा, जिससे आपका रिकॉइल मतलब थोड़ा कम हो जाएगा और आप इजीली एनिमी को मार सकते हो। और गाइस एनिमी आपको हेडशॉट भी नहीं मार पाएगा। तो गाइस बाद में आपको ये टारगेट बोर्ड के ये से सेंटर में आपको फायर करना है। और पहले आपको ऐसा खड़े रहकर फायर करना है, बाद में आपको ऐसा जिगल मूवमेंट करके एनिमी को मारना है। बिकॉज गाइस इससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी गोलियाँ तो एनिमी को लगेगी, यहाँ पर एनिमी के कुछ गोली आप में से मतलब ऐसे आपको छू नहीं पाएगी। और गाइस इससे आपका हेडशॉट भी इम्प्रूव होता है। तो गाइस आपको ये प्रैक्टिस दिन में कम से कम 5 मिनट तो करनी ही चाहिए। अब गाइस आप इस क्लिप में ये बात आप साफ साफ देख सकते हो कि मेरा एम हमेशा कैसा एनिमी के हेड ऊपर ही रहता है। सो गाइस आपने इस क्लिप में देखा कि मेरा एम कैसे हर वक्त एनिमी के हेड पे रहता है। सो गाइस आप हो सके उतना आप पहले गोली एनिमी के हेड ऊपर ही मान के ट्राई करो। बिकॉज आप मानो या ना मानो, आप 50% फाइट आप वहीं पे ही जीत चुके हो। तो गाइस यहाँ पे पॉइंट होता है क्रॉसर प्लेसमेंट। सो गाइस क्रॉसर प्लेसमेंट में ऐसा है कि आपको अपना क्रॉसर ये जो बीच में दिख रहा है, आपको आपको ये पहले से ही ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे आप लोगों को ना मतलब ऐसे अंदाजा हो कि हाँ एनिमी यहाँ से आ सकता है। आपको पहले से अपना क्रॉसर ऐसी जगह पे रखना होता है। हाँ, और गाइस जैसे ही एनिमी बाहर है आपको अपने कॉर्न में से बाहर निकल के सबसे पहले एनिमी के हेड पर फायर करना है, वरना अगर एनिमी ने पहले फायर कर दिया तो भाई आपकी पेटी बननी तय है। सो गाइस आप ये अभी ये जो ब्रिज में ये अभी क्रॉसर दिख रहा है, आप अभी इस पर फोकस करना कि ये मैं कैसे पहले से एनिमी पे रख रहा हूँ, ताकि मैं इजीली मैं एनिमी को वो मुझे मारे उससे पहले मैं उसको फिनिश कर दूँ। आप देख सकते हो ये। सो गाइस आपको इसी तरह अपना क्रॉसर गाइस आपको पहले से एज एनिमी पे सेट करके रखना होगा, तभी आप एनिमी को इजीली मार सकते हो। सो गाइस अभी थर्ड पॉइंट पे आते हैं मूवमेंट। सो अभी गाइस मूवमेंट में बात ऐसी है कि आप तो एनिमी को अच्छे से हेडशॉट मार पाओगे, हाँ, पर एनिमी जो आपको मार रहा है आपको उससे तो बच रहा होगा। तो गाइस एक बात आप मतलब दिमाग में बैठा लेना कि आपको एक भी सेकंड बस ऐसे चुपचाप खड़ा नहीं रहना है। गाइस वो काम बॉट का है और वो नूब प्लेयर्स का है, आपका नहीं है। सो गाइस आपको एक एक सेकंड में आपको मतलब हिलते रहना है। और गाइस जब भी फाइट चल रही हो क्लोज फाइट, तभी गाइस बेस्ट मूवमेंट आती है जिगर मूवमेंट, जिसका एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस आपको यहाँ पे ये ट्रेनिंग सेंटर में आ जाना है। और गाइस आपके जो भी फेवरेट गन हो वो आपको उठा लेनी है, और उसके जितने भी अटैचमेंट है लेवल 3 बैग वो आपको उठा लेना है। और बाद में गाइस ये जितने भी ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये जो हिलते हैं आपको इसके हेड पे ऐसे बारी बारी से एम करना है। और गाइस बाद में आपको यहाँ पे ऐसे हिलते हिलते आपको ये ऐसे सभी ऑब्जेक्ट है बस सिर्फ हेड पे ऐसे एम करना है, जिससे क्या होगा जब भी एनिमी आपके सामने आएगा आपका एम सीधे उसके हेड पे ही होगा।
और आप इसीलिए उसे नॉक कर सकते हो। और गाइस बाद में आपको ये सभी ऑब्जेक्ट्स को ऐसे हेड पे एम करके आपको बारी बारी से ये सबको आपको मारना होगा। स्टार्टिंग में गाइस आपका मतलब ऐसा बहुत ही स्लो होगा। और गाइस आप ना मतलब कुछ भी हो जाए डीमोटिवेट मत होना। और गाइस बाद में आपको ये क्राउच करते करते ये एक एक को मारना, जिससे क्या होगा गाइस जब भी आप ऐसा क्राउच करोगे आपका रिकॉइल ना मतलब थोड़ा कम हो जाएगा, इससे आप इजीली एनिमी को हेडशॉट मार पाओगे। और गाइस बाद में आपको बस सिर्फ एक ही स्प्रे में ये सभी ऑब्जेक्ट्स डाउन करते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। इससे क्या होगा आपका मतलब कि आपके सामने अगर एक साथ दो या तीन एनिमी सामने आ जाए तो गाइस आप इजीली उन सबको एक साथ मार पाओ। सो गाइस इसके बाद आपको इस ब्लॉक के पास आ जाना है। और गाइस आपको मतलब ऐसे खड़े होकर और ऐसे पिक करके आपको ये सभी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को आपको टारगेट करना है। इससे क्या होगा अगर कोई बंदा आप पे रश कर रहा है और आप एक कवर में होता आप उसे इसलिए मार पाओ। और गाइस इसके बाद आपको ऐसे मतलब ऐसे कूद के आपको एनिमी को मारना होगा। और गाइस आपको ऐसे कूदने के बाद आपको ना मतलब ऐसे तुरंत ही FPP पे चेंज करना होगा, जिससे क्या होगा आप मतलब एनिमी को इजीली मार पाओगे। और गाइस आपकी गन का वो रिकॉइल भी थोड़ा कम हो जाएगा। सो गाइस आपको इतने ट्रिक बस आपको दो या तीन दिन में आपका एम इम्प्रूव हो ही जाएगा, बिकॉज क्या होगा ट्रेनिंग करने से ये आपके अंदर मतलब कि ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप सेक्शन में बताना ना भूलें। और गाइस आप इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दिए। और गाइस अगर आपके कोई पबजी फ्रेंड्स है तो गाइस आप ये वीडियो उसके साथ शेयर भी कर सकते हो, जिससे कि उसका भी एम बढ़ेगा आपका भी एम बढ़ेगा और आप दोनों ना मतलब आपके स्क्वाड पावरफुल हो जाएगी और आप एनिमी को इजीली मार पाओगे। तो गाइस अगर आपको इस टाइप के और भी वीडियो चाहिए तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। गाइस मैं हर हफ्ते में ऐसी एक पबजी मोबाइल की टिप वीडियो मैं डालता रहता हूँ। साइनिंग आउट, बाय बाय।